सो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार नया एक और वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आप एक नया क्रिएटर से और एक नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है, उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपने जो चैनल क्रिएट किया है उस चैनल पर फेसकैम वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कैमरा के सामने आके कैसे बात करना है। दोस्तों अगर आप वीडियो कैमरा के सामने आके बात नहीं कर सकते हैं और आप खामोश होकर बात करते हो, तो आपका साथ ऑडियंस कनेक्ट बिल्कुल नहीं होता है और उसके बाद दोस्तों आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि वीडियो कैमरा के सामने कैसे बोलना है, किस तरह बोलने से लोग ज़्यादातर आपका साथ कनेक्ट होता है। तो दोस्तों वीडियो कैमरा के सामने बोलने की एक तरीका होता है। दोस्तों अगर आप इस तरीके से नहीं बोलते हो, तो दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माई चैनल। अगर आपका एक पुराना एंड्रॉयड मोबाइल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरा चैनल में वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए, जैसे कि दोस्तों इस तरह मैंने पहले वीडियो अपलोड करता था और इस तरह मैं वीडियो कैमरा के सामने बात करता था। ये जो चैनल है दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट चैनल है और इस चैनल से मैं अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर इस चैनल आप विजिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरह बात करते हो ना, तो आपका साथ ऑडियंस बिल्कुल कनेक्ट नहीं होता है, यानी कि आपका साथ ऑडियंस बिल्कुल नहीं जुड़ता है। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले बिल्कुल नया था और इसलिए मैंने इस तरह बात किया है। उसके बाद दोस्तों मेरा जब समझ में आया है कि इस तरह बात करने से नहीं चलता है, कुछ चेंजेस लाना पड़ता है, उसके बाद दोस्तों मैंने बहुत ट्राई किया है। और जब मैंने ट्राई करना शुरू किया है, उसके बाद दोस्तों मेरा अंदर हिम्मत आना शुरू हुआ है। और उसके बाद दोस्तों आज मैं जो कुछ बोलना चाहता हूँ वीडियो कैमरा के अंदर, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा अंदर जो डर होता है, ये डर बिल्कुल फील नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि विदाउट कैमरा में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं तो वीडियो कैमरा के अंदर ही बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों मुझे ऐसा फील होता है। दोस्तों ऐसे बहुत पढ़े लिखे लोग होता है, लेकिन ज्ञान की भंडार होता है उन लोगों के पास, लेकिन कैमरा के सामने बात नहीं कर पाता है। क्योंकि दोस्तों कैमरा के सामने बात करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो दोस्तों अगर आप एक नया क्रिएटर है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप अपना मोबाइल फ़ोन की जो फ्रंट कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा ओपन करके आप अपना घर पर बार बार आप ट्राई करते रहना है, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके अंदर हिम्मत आना शुरू हुआ है। और उसके बाद दोस्तों एक वीडियो कैमरा के सामने आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके अंदर जो डर होता है, डर बिल्कुल फील नहीं होता है। सो दोस्तों बहुत ऐसे नया क्रिएटर्स होता है कि वीडियो शूटिंग करने से पहले पूरा वीडियो दिल के अंदर सेट होता है, लेकिन दोस्तों जब वीडियो शूटिंग करना शुरू होता है, उसके बाद दोस्तों एक या दो बात बोलने की बात क्या होता है कि बात बोलना बंद हो जाता है। तो इसका एक रीज़न होता है। दोस्तों अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इस तरह वीडियो शूट कीजिए, जैसे कि दोस्तों जो वीडियो आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि जो वीडियो आप बनाना चाहते हो, इस वीडियो शूटिंग करने से पहले किसी एक ब्लैंक पेपर पर आप लिख लीजिए कि वीडियो के अंदर क्या क्या बात करना है, किस तरह बात करना है, क्या टॉपिक है, ये सारा कुछ आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों जाके आप वीडियो शूट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका मन में ये सवाल आता है कि किसी ब्लैंक पेपर पर लिखने के बाद कैसे शूट करना है, जैसे कि दोस्तों अगर आप एक पार्ट याद करना है, उसके बाद दोस्तों एक पार्ट शूट करना है, उसके बाद दोस्तों वीडियो पोस्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट फिर से याद करना है, उसके बाद फिर से आपको शूट करना है। तो दोस्तों इस तरह एक एक पार्ट करके आप शूट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होता है, दोस्तों अगर आप अपना चैनल पर फेसकैम वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, तो जब वीडियो शूट करना शुरू करते हो, तो वीडियो शुरू करने के बाद आप खामोश बिल्कुल बात नहीं करना है। दोस्तों आपका हाथ इधर उधर करना है। उसके बाद दोस्तों आपका हाथ इधर उधर करने से क्या होता है कि ऑडियंस जो है, जो वीडियो आपका ऑडियंस देखता है, ये ऑडियंस आपका साथ कनेक्ट होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप खामोश बात करोगी, सो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार नया एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के इस वीडियो में मैं ये दिखाने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। अगर दोस्तों इस तरह आप खामोश बात करोगी ना, तो आपका साथ एक भी ऑडियंस बिल्कुल कनेक्ट नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों देखिए, मैंने तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है, क्योंकि मेरा अंदर बिल्कुल डर नहीं है। दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करता है, ज़्यादातर प्रैक्टिस करता है, उसके बाद दोस्तों आपका अंदर जो डर होता है,
है और डोर ऑटोमेटिकली निकल जाता है और उसके बाद दोस्तों आपका अंदर हिम्मत आना शुरू होता है। जब दोस्तों आपका अंदर हिम्मत आना शुरू होता है उसके बाद दोस्तों आपका हाथ से आपका मुँह से आप कुछ भी बोल सकते हो और बोलने के साथ ही साथ आपका हाथ जो है इधर इधर घूमता है। इसको कहता है दोस्तों बॉडी लैंग्वेज। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए और बॉडी लैंग्वेज अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो दोस्तों एक मोबाइल फ़ोन का फ्रंट कैमरा के सामने आपको बार बार ट्राई करना होता है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना होता है, उसके बाद दोस्तों आप जाके ये काम आप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ इधर कर रहा हूँ, मेरा हाथ उधर कर रहा हूँ। और दोस्तों और एक नया क्रिएटर्स गलती करता है, जैसे कि दोस्तों वीडियो जब शूटिंग होता है, वीडियो शूटिंग की टाइम मन में बहुत ऐसे डाउट होता है कि मेरा आँख कहाँ जा रहा है, मेरा मुँह किस तरह हो रहा है, मुझे देखने को कैसे लग रहा है। तो इस तरह दोस्तों अगर आपका मन में डाउट है तो ये बिल्कुल डाउट क्लियर करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों जो ऑडियंस आपका वीडियो देखता है तो आपकी तरह नहीं देखता है, दोस्तों आपके बातों की तरह देखता है और दोस्तों आपके जो कंटेंट है कंटेंट की तरह ऑडियंस फोकस करता है। इसलिए दोस्तों आपका मुँह किधर भी जाने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हाथ किधर भी जाने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस ये चाहता है कि आपका कंटेंट क्या है, आपका कंटेंट अच्छा है या बुरा है, ये चीज़ ऑडियंस देखता है। तो दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप इस तरह गलती करके आ रहा है तो सबसे पहले ये आपको सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप YouTube पर फेस कैम वीडियो अपलोड करते हैं तो ये काम आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ। और दोस्तों अगर इस चैनल में आप पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों एक लाइक कर लीजिए और दोस्तों आपका जितना फ्रेंड है सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।